हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है कि मान लीजिए कि आपको एक ए बराबर एक सेट दिया गया है जिसमें 9, 10, 11, 12, 13 अवयव दिए गए हैं तथा एफ फलन दिया गया है ए से एन तक, यानी कि एन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। तो एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक सेट एक समुच्चय दिया गया है ए बराबर, जिसमें यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 अवयव दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो यहाँ पर एफ एन है, एन का महत्तम अभाज्य गुणक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में परिसर ज्ञात करना है, एफ का परिसर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर यदि हम एन की जगह क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, तो यहाँ पर भी हम 9 रखेंगे, तो 9 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या तो आप जानते ही होंगे कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनमें एक या स्वयं का भाग जाता है, भी अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हमें महत्तम अभाज्य गुणक यानी कि बड़ी संख्या चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब हम 9 का महत्तम अभाज्य गुणक निकालेंगे तो यहाँ पर हम एन की जगह क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ और यहाँ एन की जगह 9 रखेंगे बराबर एन की जगह यहाँ पर 9 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो यहाँ पर 9 का महत्तम अभाज्य गुणक यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम 9 के अभाज्य गुणन निकालें तो यहाँ पर हम रस में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 9 में 3 का भाग करेंगे, 3 तिरका 9 हो जाएंगे और 3 एकम 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 9 के अभाज्य गुणक क्या आ जाएंगे, 3 गुणे 3। लेकिन यहाँ पर हमें महत्तम अभाज्य गुणक चाहिए। तो महत्तम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, और अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ही है, तो यहाँ पर 9 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या होगा, 3 ही होगा। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम जब n की जगह क्या रखेंगे, आपकी बार 10 रखेंगे, फिर इसके बाद 11, 12, 13 इस प्रकार से यहाँ पर हम रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एन की जगह अब हम 10 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ 10 बराबर यहाँ पर भी हम 10 रखेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 10 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो यहां पर हम 10 का महत्तम अभाज्य गुणक निकालेंगे। तो यहां पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से 10 की अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो यहां पर 2 पंचे 10 हो जाएगा और 5 से जाएगा तो 5 एकम 5। तो यहां पर जो 10 के गुणनखंड हो जाएंगे, यहां पर 2 गुणे 5 हो जाएंगे। तो यहां पर जो 10 का महत्तम अभाज्य गुणक, अभाज्य गुणक क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 बड़ी संख्या और एक अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ पर जो 10 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम इसी प्रकार से 11 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन की जगह हम 11 रखेंगे, यहाँ पर भी 11 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ 11 बराबर 11 का महत्तम अभाज्य गुणक। इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा अभाज्य गुणक। तो यहाँ पर हम 11 के गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 11 के गुणनखंड क्या होते हैं, यहाँ पर 11 में तो केवल 11 का ही भाग जाता है, तो 11 एकम 11, तो 11 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, 11 होता है। और 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर महत्तम यानी कि बड़ी संख्या भी है। तो यहाँ पर 11 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या होगा, 11 ही होगा। तो यहाँ पर हम 11 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 12 का महत्तम अभाज्य गुणक निकालेंगे, तो यहाँ पर हम n की जगह 12 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे f 12, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा n की जगह, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 का महत्तम अभाज्य गुणक।
तो यहाँ पर हम 12 के अभाज्य गुणक निकालेंगे, तो यहाँ पर आप रफ में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही 12 के अभाज्य गुणक निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 आ जाएगा और 3 1 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 12 के गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पर 2 तो एक भाज्य संख्या है, यहाँ पर भी भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमें महत्तम अभाज्य संख्या चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 12 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से हम 13 लिखेंगे, तो यहाँ पर हम एन की जगह 13 रखेंगे, तो यहाँ पर हमने 13 लिखा, बराबर एन की जगह यहाँ पर हम 13 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 का महत्तम अभाज्य गुणक। तो 13 के महत्तम अभाज्य गुणक क्या आ जाएंगे यहाँ पर, यदि हम 13, तो यहाँ पर 13 में तो केवल 13 ही के भाग जाता है, तो यहाँ पर 13 स्वयं ही क्या है, अभाज्य संख्या और महत्तम भी है, तो यहाँ पर हम 13 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 ही हो जाएगा। अब इसके बाद इसको चाहे तो हम संबंध के रूप में लिख सकते हैं कि जो हमारा संबंध है इस प्रकार से हो जाएगा कि चूंकि यहाँ पर संबंध क्या दिया गया, एफ दिया गया, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जी यहाँ पर एफ बराबर होगा, संबंध किस प्रकार से होगा हमारा कि जब हमने एन की जगह यानी कि जब हमने 9 रखा तो 9 का महत्तम अभाज्य गुणक कितना आया, 3 आया, तो 9 रखने पर यहाँ पर कितना आया है, 3 आया, तो यहाँ पर 9 3 हो जाएगा। इसके बाद 10 रखने पर 5 आया है महत्तम अभाज्य गुणक, तो यहाँ पर हम 10 5 लिखेंगे। इसके बाद 11,11 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 11 रखने पर महत्तम अभाज्य गुणक 11 आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11,11। इसके बाद यहाँ पर हम जब हमने 12 रखा तो 12 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या आया है, 3 आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12,3। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 13,13 क्योंकि यहाँ पर 13 रखने पर महत्तम अभाज्य गुणक 13 ही आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13,13। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा एफ है, जो हमारा फलन है, जो हमारा एफ का परिसर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होते हैं, जो यहाँ पर द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है जो दूसरे नंबर पर लिखे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 5 11 है, 3 13 है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो एफ का जो परिसर होगा, जो एफ का परिसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय हो जाएगा, जो द्वितीय जो दूसरे स्थान पर लिखे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 3 आ जाएगा, इसके बाद 5 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 3 तो लिख चुका है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव को यहाँ पर आपको रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है, एक ही अवयव को आपको एक ही बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 तो लिख चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से एफ का परिसर क्या हो जाएगा, इसमें 3 5 11 13 अवयव आ जाएंगे, इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।